नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप सबको दोबारा देख के। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो डायरेक्ट सेक्शन पे जाने से पहले, सेक्शन डिस्कस करने से पहले, मैंने सोचा कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हैं, जो टर्मिनोलॉजी में यूज़ करने करूँगा आगे हिंदू मैरिज एक्ट में, वो सबसे पहले आपसे डिस्कस कर लूँ कि क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या इंटरप्रिटेशन है, वो सब पहले डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे दोस्तों बेसिक सी चीज़ है कि हिंदू कौन है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आपके पास क्या डेफिनेशन है कि कौन आदमी हिंदू है कौन नहीं है, तो हर किसी के दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि भैया जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं वो सारे हिंदू होंगे। जी हाँ बिल्कुल, जो भी आदमी बाय रिलीजन हिंदू है वो हिंदू होगा। आप बोलोगे भैया ये जो बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, वो भी हिंदू में आ। जी हाँ बिल्कुल भी बिल्कुल, जो आदमी बुद्ध है, जैन है, सिख है, इनको फॉलो करता है वो भी हिंदू होगा। फिर आप ये बोलोगे कि जो भी आदमी मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सिख नहीं है, ज्यू नहीं है, वो सारे हिंदू होंगे। जी हाँ बिल्कुल, जो हिंदू लॉ जहाँ जहाँ भी अप्लाई होता है, ये एक्ट जहाँ जहाँ भी अप्लाई होता है, वहाँ पे जो भी लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू नहीं है, वो सारे हिंदू होंगे। अब सबसे बेसिक सी चीज़ है कि कोई बच्चा पैदा होता है, उसको उसका रिलीजन कैसे मिलता है, उसको हम कैसे बताएंगे कि यार ये हिंदू हुआ है। तो एक बच्चा पैदा हुआ, अगर उसके पेरेंट्स दोनों मम्मी पापा, जो दोनों पेरेंट्स हैं उसके मम्मी पापा दोनों हिंदू हैं, तो बेबी हिंदू होगा। अगर जो बेबी पैदा हुआ है, जन्म लिया है जिस बेबी ने, अगर उस बेबी का एक पेरेंट हिंदू है, अगर और उस बच्चे की परवरिश, पैदाइश एक हिंदू परिवार में हुई है, हिंदू एटमॉस्फेयर में हुई है, तो वो बेबी हिंदू होगा। लेकिन उसकी कंडीशन है कि कम से कम एक पेरेंट तो हिंदू होना ही चाहिए। तीसरी, या तो आप कन्वर्ट हो जाओ हिंदू में या रिकन्वर्ट हो जाओ हिंदू में, तो आपको रिलीजन हिंदू मिलेगा, तो ये हिंदू होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट ब्लड, यूट्रेन ब्लड, हाफ ब्लड की। फर्स्ट ब्लड नहीं, फुल ब्लड। फुल ब्लड, फुल ब्लड कौन होगा? फुल ब्लड चिल्ड्रंस कौन होंगे? फुल ब्लड चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन जिनके मम्मी पापा सेम हैं। हाफ ब्लड चिल्ड्रन कौन होंगे? हाफ ब्लड चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन, वो बच्चे जिनके पापा सेम हैं लेकिन मदर डिफरेंट हैं, वो हाफ ब्लड चिल्ड्रन होंगे। और यूट्रेन ब्लड चिल्ड्रन, यूट्रेन ब्लड चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन जिनके मदर सेम है लेकिन फादर डिफरेंट है। ये कॉन्सेप्ट है फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रेन ब्लड। बस ये कुछ चार पांच चीज़ें बेसिक सी थी जो मैं आगे की वीडियो में यूज़ करूँगा, टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं यूज़ करूँगा। ये वीडियो के लिए बस इतना ही।